हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिमट न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको सारे अपडेट इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर एंड गेम की रिलीजिंग कंफर्म के बारे में। तो ये कंफर्म करा केविन फाइगी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में। उन्होंने बताया कि एवेंजर एंड गेम को वो दोबारा से रिलीज करेंगे वर्ल्ड वाइड, और उन्होंने डिज्नी स्टूडियो से बात करी इसके लिए स्पेशली। और फाइनली जब एवेंजर एंड गेम दोबारा से रिलीज हो रही है तो हमें इसमें क्या क्या नया देखने को मिलेगा, तो एवरीथिंग सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सोचोगे जो पुरानी मूवीज हैं, जो लेजेंड मूवीज हैं, जो कि टॉप लेवल पर रह चुकी, तो ये गलत है, उनके साथ ऐसा गलत हो रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, वो भी अपने अपने टाइम में अलग अलग टाइम में रिलीज हुई है। जैसे कि टाइटैनिक 4 टाइम बार रिलीज हुई है, अवतार 5 टाइम बार रिलीज हुई है। जब नई नई टेक्नोलॉजी आई जैसे 4DS, 3D, 2D, तो ये अपने अपने टाइम में रिलीज हुई। इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस करा 4-4, 5-5 रिलीज होने के बाद भी। तो एवेंजर एंडगेम तो 1 टाइम रिलीज हुई है, तो उसे क्यों नहीं मौका मिलता। तो फाइनली 44 मिलियंस का टोटली अब डिफरेंस रह गया एवेंजर एंडगेम में और अवतार में, और एवेंजर एंडगेम सेकंड टाइम बार रिलीज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में। तो ये मूवी रिलीज होगी 28 जून को, यानी कि नेक्स्ट वीक में, पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसमें कि UK, US और ब्राजील में कन्फर्म हो चुकी है, और देन अदर कंट्रीज में धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके साथ इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे 2, जो कि केविन फाइगी ने बोला है, और देखते हैं मूवी में क्या होने वाला है। उसी के साथ इस मूवी में हमें स्टैनली का ट्रिब्यूट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट होने वाला है, यानी कि कैप्टन मार्वल मूवी में जो ट्रिब्यूट देखा था उससे भी बेटर। उसके बाद इसमें हमें डैमेज कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो एवेंजर्स एंड गेम में और एवेंजर्स की पूरी जर्नी में जितनी भी उन्होंने एवेंजर्स ने तोड़फोड़ करी है, तो डैमेज कंट्रोल कैसे काम करता है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। इस मूवी में हमें 7-8 मिनट देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा सीन, जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीन, डैमेज कंट्रोल, स्टैनली का ट्रिब्यूट, एमसीयू फीमेल, एवरीथिंग, सब कुछ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे ज्यादा ऑडियंस यहीं पर ही है। तो इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली जो सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स हैं उनमें ये मूवी इंग्लिश में रिलीज होगी, क्योंकि हिंदी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिलीट सीन है 8 मिनट के, उन्हें हिंदी में डब करना, फिर सारी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पॉसिबल नहीं है, एक नॉर्मल सी जनरल सी बात है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान में मूवी रिलीज हुई तो इंग्लिश में रिलीज होगी, और इसका एक ट्रेलर आएगा ऑफिशियली अनाउंसमेंट का, जो कि शायद मार्वल इंडिया और जब मार्वल को रिलीज कर सकता है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।